Children, let's begin with chapter number 41. Animals look alike. Some animals are so similar that you cannot tell them apart. Let's see some of such interesting cases. Turtle and tortoise. तो अगर हम turtle और tortoise की बात करें तो हमें क्या लगता है कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं, but नहीं, turtles अलग होते हैं और tortoise अलग होते हैं. Turtle and tortoise both belong to the order Testudines. The primary difference between these two animals is their habitat. जो turtle होता है ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं. A turtle lives mostly in water और इनके पास webbed feet होते हैं जो कि designed होते हैं for swimming and have lightweight shell. और इनका जो shell होता है, ये जो outer covering है इनकी, ये भी lightweight होती है. A tortoise lives primarily on land और tortoise जो है वो land पे रहता है. इसका जो shell होता है वो बहुत heavy होता है and stumpy feet होते हैं ताकि ये easily ground पे चल सके. To navigate through rough terrains. Then you have rabbits and hares. तो rabbit और hares जो हैं ये दोनों ही belong करते हैं order Lagomorpha को. Hares are large and faster than rabbits. तो जो hare होता है वो faster होता है और बड़ा भी होता है. With longer and stronger hind legs and bigger feet. तो इसके पैर भी बड़े होते हैं. Their speed helps them to run away from danger. क्योंकि इनके पैर बड़े हैं इसलिए ये जल्दी जल्दी भाग सकते हैं. और rabbit क्या करता है? Rabbit सिर्फ छुपता है, भागता नहीं है ज़्यादा. While rabbit tends to escape to their warrens when threatened. Then we have moths and butterflies. दोनों ही किस order को belong करते हैं? ये दोनों belong करते हैं Lepidoptera को. Look closely at the antenna and the wings of these insects to find the difference between them. तो इनके wings में थोड़ा सा difference होता है और इनके antenna में difference होता है. A butterfly's antenna will be club shaped. इनका बिल्कुल क्लब, जैसे क्लब होता है ना, डंडी होती है उसकी तरह रहते हैं. विद लॉन्ग शाफ्ट टिप्ड बाय अ बल्ब एंड द विंग्स दैट होल्ड अप वर्टिकली ओवर इट्स बैक. अ मॉथ्स एंटीना विल बी फेदरी. जहाँ वहीं पर मॉथ के जो एंटीना होते हैं वो हल्के हल्के फेदर्स वाले होते हैं. एंड हैज़ विंग्स विच आर टेंट लाइक. और इसके जो विंग्स होते हैं वो टेंट की तरह होते हैं. एंड फोल्ड ओवर द अबडोमन. क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स. ये दोनों ही कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? दोनों ही बिलोंग करते हैं क्रोकोडाइलिया को. द बेस्ट वे टू डिटरमाइन हाउ दे आर डिफरेंट इज टू लुक एट द शेप ऑफ देयर हेड. तो इन दोनों का डिफरेंस कहाँ आता है? इनके शेप ऑफ हेड में. क्रोकोडाइल्स हैव लॉन्ग हेड्स शेप्ड लाइक वी. तो क्रोकोडाइल का जो हेड होता है वो ज्यादातर वी की तरह बनता है. वाइल एलिगेटर्स हैव शॉर्टर हेड शेप लाइक यू. और एलिगेटर्स का जो हेड होता है वो यू की शेप में होता है. यू कैन ऑल्सो टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज एनिमल्स बाई चेकिंग देयर टीथ आफ्टर दे हैव क्लोज देयर जॉज. इफ यू सी द टीथ कटिंग आउट अलॉन्ग द जॉ लाइन ऑफ द एनिमल क्लोज माउथ इट इज अ क्रोकोडाइल. तो जिनके बाहर की तरफ को दांत आते हैं आफ्टर देयर माउथ इज क्लोज दैट इज अ क्रोकोडाइल. एंड एलिगेटर टीथ्स गेट हिडन. और जब एलिगेटर अपना मुंह बंद करता है तो उसके टीथ्स जो हैं वो अंदर ही रहते हैं. व्हेन इट क्लोजेस इट्स माउथ.